तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक टू जीके में। तो आज हम फिर से उपस्थित हैं ग्रुप डी का कुछ क्वेश्चन लेकर, जो आपको ग्रुप डी के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आ रहे हैं वो सवाल आज हम आपके बीच करवाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है। तो आप हमारा वीडियो प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे, तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां देख सकते हैं, और किस तरह से ग्रुप डी क्वेश्चन पूछ रहा है उसको आप लोग देख सकते हैं और बहुत ही आसानी से अपना समय बचा सकते हैं। जैसे कैलेंडर हो या डायरेक्शन हो या कोई और ट्रिक हो, उसको मैंने बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों के बीच बताया है कि कैसे कैलेंडर का दिन हम निकालेंगे जल्द से जल्द निकले। तो उसमें हमने अपना ट्रिक दिया है उसमें, और वो तो आप जब नहीं देख रहे होंगे अगर, तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि 70 पशु एक भूखंड पर 80 दिनों तक चर सकते हैं। 70 पशु एक भूखंड पर 80 दिनों तक चर सकते हैं, कितने पशु इसके तीन गुना क्षेत्र को 70 दिन में चर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 70 पशु जो हैं किसी भूखंड को 80 दिनों 28 दिनों के लिए चरने के लिए उसके पास चारा है। तो फिर कह रहा है कि कितने पशु, यहाँ पर तो 70 पशु था, लेकिन बाद में जो कंडीशन कह रहा है उसमें कह रहा है कितने पशु, तो कितने पशु को हम लोग एक्स मान लेंगे। इसके तीन गुना क्षेत्र, मतलब कि इसके तीन गुना क्षेत्र तो इसी में हम लोग तीन गुना क्षेत्र को 70 दिनों में चर सकते हैं। तो 70 दिनों में चर सकते हैं, बस यही आपको कंडीशन बनाने आना चाहिए, आपका आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ से जब आप एक्स करेंगे तो बटा में 70 आ जाएगा। तो देखिए हम लोग 70 से 70 हम कटा देते हैं, 70 से 70 हमारा कट गया। अब एक्स बराबर हमारे पास बच गया 28 गुने 3। तो देखिए गुना कीजिए तो 28 दिया 84। तो ये जो है पशु के लिए चारा जो है वो 84 दिन चलेगा। तो इस तरीका से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बना लिया है। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा। तो देखिए आगे क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं बैक टू बैक, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को आज हम लोग बनाना सीख रहे हैं। तो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और उसका अंतर 105 है, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो कह रहा है कि दो संख्या का अनुपात कह रहा है तो 10:7 है, 10:7 है और उसका अंतर कह रहा है, मतलब कि एक एक्स है एगो वाई है, तो दोनों का अंतर है 105। तो कह रहा है कि उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो चलिए योग देखिए, x प्लस y बराबर वाट। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएं कि जल्द से जल्द बनेगा, देखिए इसमें कोई सूत्र नहीं लगेगा। देखिए 10 और 10:7 है तो इसी का अंतर दिया हुआ है, तो दोनों में x शामिल कीजिए, तो 10x-7x = 105। इतना आप लोग कर सकते हैं, 10x-7x। देखिए अनुपात को हम सिर्फ घटा रहे हैं, अनुपात को हम घटा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3x = 105। तो x बराबर हम लोग हटा देंगे तो यहाँ पर देखिएगा कि 35 आ जाएगा, x बराबर 35 आ गया। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ने 10x रखा है तो 35, तो अब हम लोग 10x को करेंगे तो 10×35 बराबर कितना होता है जी, तो 350 हो गया। अब 7x को हम लोग करेंगे, 7x = 7×35। 7×35 आप लोग हल कीजिए, देखिए 7×35 = 5, 3 21 + 3 = 24। तो आप लोग इसको जोड़ दीजिए 5, 9, 5, तो इसको 500
पंचानवे, 595 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है, यदि एक व्यक्ति अपने हाथ घड़ी को 720 रुपये में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है, 25% की लाभ लेने के लिए उस घड़ी की कीमत कितना होना चाहिए। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा, कैसे इस क्वेश्चन को बनाइएगा कि जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं। देखिए आप लोग कलम उठाएं, बस आंसर आना चाहिए। देखिए 720 रुपया, 720 रुपया। अब जब हमको लाभ लेना है तो लाभ को ऊपर रखना है, लाभ पहले हमको लेना है, लाभ जब हमको लेना रहता है तो लाभ को हम ऊपर रखते हैं और हानि को हम लोग नीचे रखते हैं। तो देखिए 25% लाभ, तो परसेंट के मतलब होता है 100, तो 25 जोड़ दीजिए तो ऊपर में हो गया 125, ऊपर में हो गया 125 और नीचे में 25 हानि होता है तो नीचे कर दीजिए 75। अब देखिए इसको कैलकुलेशन कीजिए, ये आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 3। आप लोग को देखिए, अब देखिए यहाँ से हम लोग कटाते हैं तो 24 दिया 72, तो 240, तो 240 गुने 5, 240 गुने 5 तो हमारा आंसर जो आ जाता है 1200। तो 1200 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फ्रेंड चौथा प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोगों के बीच की, यदि प्याज की कीमत 10% कम हो जाए तो एक गृहिणी इसका उपभोग कितना प्रतिशत अधिक कर दे ताकि मद व्यय कम ना हो, मद व्यय कम ना हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसको हम जानते हैं कि जब प्रतिशत कह देगा तो जो व्यय होगा वो 100 रुपया होगा, 100 होगा, 100 हमारा फिक्स रहता है, 100 हमारा फिक्स रहता है, तो उसको 100 रुपया हर हाल में उसको खरीदना है, चाहे कम हो जाए चाहे ज़्यादा हो जाए। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन का आप लोग हल कीजिएगा। तो कह रहा है कि 10% कम हो जाए, तो 10% 100 का 10% आप लोग को निकालने आ गया कि 100 का 10% होता है 10, तो हमारा हो गया 90, 90 हो गया, तो कितना निकला है, कितना निकला है तो 10 निकला है, कितना पर तो 90 पर। बस आप लोग का हल हो गया, आप लोग का हल हो गया कि इतना प्रतिशत आप लोग को जो मत पर व्यय होगा, यही जब आप लोग को 10 ज़्यादा हो जाए तो 10/110 कर दीजिएगा, 10/110 कर दीजिएगा, आप लोग का आंसर आ जाए, आंसर आ जाएगा। जब 10% बढ़ जाए, देखिए यहाँ पर घट रहा है तो नीचे हम लोग 10 घटा दिए हैं, बस यही हो गया, बढ़ जाए तो बढ़ा देना है आप लोगों को। तो यहाँ पर हम लोग हल करेंगे तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, तो ऊपर में हो जाएगा 100, ऊपर में हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा 9%, 100/9% हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। फ्रेंड पांचवा क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच, इसको सॉल्यूशन को आप लोग को हल करना है, x का मान निकालना है, तो चलिए कैसे हम लोग हल निकालते हैं। तो देखिए पूर्णांक है तो पूर्णांक को पहले तोड़ लीजिए, तो इसमें इसे गुणा कीजिए, इसको जोड़ लीजिए, तो 3 × 2 = 5, तो 5 हो गया, नीचे 3 भागा है तो भागा को गुणा में बदल देने से हर अंश हो जाता है और अंश हर हो जाता है, तो इसको उल्टा कर दीजिए, 7/2 × x/7 बराबर, इसको भी आप लोग हल कर लीजिए, तो 4 × 5/4 × 2/3, देखिए यहाँ पर भी भागा है इसको गुना में हम बदल देते हैं तो 6/1 होता है। अब इसको आप लोग हल कीजिए, तो जो कटता है उसको कटा लेना है, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर देखेंगे कि देखिए 3 से यहाँ पर 2 कैंसिल, 2 से यहाँ पर 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास 5x = 6 बचा, इधर साइड बचा है 5/1, 5/1 अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो यहाँ देखिए 5x = 30, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 30/5, यही हमारा 6 आंसर हो जाएगा, यही हमारा 6 आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना जल्दी बन गया कि इसका आप लोग को हल करना है तो बहुत ही जल्दी से आप लोग कर सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न पर।
तो अगला प्रश्न आप लोग के बीच है, यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ा जाता है तो एक बट्टा दो हो जाता है, और किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाता है तो एक हो जाता है। तो भिन्न का अंश और हर का योगफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं आप लोग सीख लीजिए। तो देखिए कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर, तो अंश और हर हम लोग जानते हैं कि ऊपर को अंश का है और नीचे का हर, तो हर में एक जोड़ा जाता है, तो हमको अंश के बारे में नहीं कह रहा है तो हम इसको हम लोग छोड़ देंगे। हर में कह रहा है एक जोड़ने से हमारा होता है एक बटा दो, एक बटा दो। और दूसरा कंडीशन कह रहा है कि यदि किसी अंश में एक जोड़ा जाता है तो हमारा एक हो जाता है। अब हम इससे समीकरण एक और समीकरण दो निकालेंगे। तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो 2x बराबर y प्लस वन, वाई प्लस वन, तो इसको हम लोग बनाएंगे 2x माइनस वाई बराबर एक, समीकरण एक हो गया। इसी तरह इसको बनाएंगे तो x प्लस वन बराबर वाई, तो इसका हमारा समीकरण हो गया x माइनस वाई बराबर वन। अब समीकरण एक और दो को समीकरण हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा x बराबर दो और y बराबर हमारा तीन आ जाएगा। अब यही हमारा जब कह रहा है कि दोनों संख्या का जो अंश और हर का योगफल निकालिए, तो हम अंश को, अंश हमारा दो आया है और हर हमारा तीन आया है, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो पाँच हो जाएगा, पाँच हो जाएगा। तो इतना आसानी से बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये आगे हम देख लेते हैं, आगे अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है कि सात क्रमिक सम संख्याओं का योगफल 140 है तो सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा इसको हम लोगों को बीच निकालना है। चलिए कैसे हम आज आपके बीच निकाल के दिखाते हैं कि कैसे इसको हल हम लोग जल्दी से जल्दी हम लोग कर लेते हैं। तो सात संख्याओं, सात क्रमिक मतलब कि लगातार, सम संख्या है मतलब कि दो संख्या से कटने वाला हो। तो चलिए देखिए सात कह रहा है तो सात सीट बना लीजिए, सात सीट बना, बैठने के लिए सीट बना लीजिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात सीट मैंने बना दिया। अब इसमें कैसे हम लोग निकालेंगे कि बड़ी संख्या निकल जाए। तो देखिए कह रहा है कि सात क्रमिक सम संख्याओं का योगफल 140 है, मतलब कि जो यहाँ पर होगा 140 बटा सात हो गया, 140 बटा बीच वाला संख्या, देखिए इधर से तीन इधर से तीन, जो बीच वाला संख्या होगा वही होता है। तो इसको निकाल लीजिए तो इसका आंसर हो जाता है 20। तो इसका जो औसत कहता कि औसत क्या है, इसका औसत 20 होता है, तो 20 होता है। तो अब सम संख्या कह रहा है तो इधर से दो बढ़ा दीजिए तो 22 हो गया, इधर से 24 हो गया, इधर से 26 हो गया, इधर से आप घटा दीजिए तो इधर से 18 हो गया, 16 हो गया, 14 हो गया। अगर छोटा संख्या कहता, छोटा संख्या कहता तो 14 हो जाता, और बड़ा संख्या कह रहा है तो 26 होगा, तो इसका आंसर 26 हो जाएगा। और इसको कहता कि इसका औसत क्या होगा तो 26 14 को जोड़ दीजिए, आ नहीं तो बीच वाला संख्या हमारा औसत संख्या होता है, 26 14 को जोड़ देते और दो से भाग देते फिर भी हमारा 20 आता। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने हल कर लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं आप लोग के बीच कि एक कार की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसकी गति मीटर सेकंड में कितना होगा। देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग सेकंडों में हल करने वाले हैं, कैसे करेंगे देख लीजिए। तो इसके लिए मैंने बताया था कि आप लोग को 18 और 5 का टेबल याद रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर ऊपर में 54 लिख दीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम लोग को बनाना है किलोमीटर प्रति सेकंड। तो चलिए देखिए यहाँ पर देखिए मीटर प्रति सेकंड, सॉरी मीटर प्रति सेकंड बनाना है। तो देखिए जो किलोमीटर प्रति घंटा दे, बड़ा वाला के लिए बड़ा, छोटा वाला के लिए छोटा, तो हमारे लिए बड़ा वाला दिया हुआ है और छोटा वाला हम लोग को निकालना है। तो देखिए 18 का पहाड़ा पढ़ दीजिए कब बार में, तो तीन बार में, तीन बार में गया तो इसीलिए इसका भी पहाड़ा तीन बार पढ़ दीजिए, 15 मीटर प्रति सेकेंड। आंसर बस सेकंडों में हल होने वाला है, इस तरीका से आप लोग को बनाना है, सेकंडों में हल इसका हो जाएगा। तो इसी तरह हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर, तो अगला क्वेश्चन और भी मजेदार होने वाला है। चलिए आगे हम लोग सीख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित है कि कोई धन राशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में दुगना हो जाती है तो ब्याज की राशि क्या होगा, ब्याज की राशि क्या होगा। देखिए हमारे पास है 100 रुपया, 100 रुपया है, 10 वर्ष में दुगना हो रहा है, मतलब कि 10 वर्ष में दुगना मतलब कि 200, दोनों का अंतर हमारा 100 हो रहा है, 100 हो रहा है और कितने वर्ष में, तो 10 वर्ष में इसको हल कर लीजिए तो इसका आंसर हो जाएगा 10%। तो 10% के एक वर्ष में 10 रुपया बढ़ रहा है तो 10 वर्ष में 100 रुपया, तो 100 का हमारा दुगना हो जाएगा 10 वर्ष में। तो इस तरीके से हम लोग को बनाना है कि जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का हल, कि साइकिल के सूची मूल्य में लागत मूल्य से, क्वेश्चन समझ लीजिएगा कि साइकिल के सूची मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित होता है और नगद खरीदार को 10% बटा भी दिया जाता है तो वो दुकानदार को कुल कितना लाभ होगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम आज आपके बीच नो कॉपी नो पेन की मदद से बनाएंगे, कैसे बनेगा इस क्वेश्चन का हल देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन हमारा साइकिल जो है वो 100 रुपये का है तो 20% बढ़ा कर उस पर दाम लिख देता है, मतलब कि 100 का 20% बराबर 120 हो गया, 20% 20 हमारा हो जाता है तो 100 का 120 हो जाता है। अब कह रहा है कि जब 120 रुपये दाम रख दिया तो कोई खरीदार उसको खरीदने गया तो इस पर 10% की छूट दे दिया, 10% मैंने बताया था कि एक किनारे वाला हटा दीजिए आपका 10% हो गया तो हमारा जो माइनस होगा वो 12 रुपये होगा, वो 12 रुपये होगा। तो 12 रुपये हम लोग हटा देंगे तो हमारे पास अभी भी 108 रुपये बचेगा। तो कह रहा है कि दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ होगा, तो देखिए इसी में से इसको हटा दीजिए हमारा होता है 8% का लाभ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।